हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉलीवुड स्टार। दोस्तों, सैफ अली खान अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम खान को करण जौहर करने वाले हैं लॉन्च। जी हाँ, करण जौहर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे इब्राहिम को लॉन्च करने वाले हैं और दो से तीन दिन पहले उनको धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस के बाहर देखा गया था, जिसके बाद बोला जा रहा था कि ये यानी कि इब्राहिम करण जौहर की किसी फिल्म में बॉलीवुड डेब्यू कर सकते हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है इनके बारे में, उसमें बताया जा रहा है कि ये एक्टिंग नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे नज़र आएंगे करण जौहर की एक आने वाली फिल्म में, जिसमें लीड रोल में नज़र आएंगे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आएंगे। ये जो फिल्म है एक रोमांटिक फिल्म होने वाली है और इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे नज़र आएंगे अमृता सिंह और सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम खान। और आगे चल के हो सकता है कि बॉलीवुड में भी डेब्यू कर लें धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के नीचे। और यहाँ से जो करण जो है, उन्होंने बताया जा रहा है कि चालाकी की है, अगर वो इनको बॉलीवुड में एक्टर के तौर पर रिलीज करते तो फिर इनके ऊपर नेपोटिज्म का आरोप लगता, इसीलिए इब्राहिम को इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर लॉन्च करने का सोचा है। और बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर हैं जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे ही बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसके बाद उन्होंने अपना जो एक्टिंग करियर है वो स्टार्ट किया था। जैसे इमरान हाशमी, इमरान हाशमी ने 2002 में राज फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था, जिसके बाद 2003 में फुटपाथ फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। ऐसा ही इब्राहिम के साथ भी हो सकता है, एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर काम करके हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में बॉलीवुड फिल्म में एक्टिंग भी शुरू कर दें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।